भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में, वो हमेशा जो जनमानस के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं उनसे हमेशा डरती रहती है। जब जब लालू जी जेल से बाहर आते हैं या उनकी राजनीति में भूमिका सक्रियता बढ़ती है तो भारतीय जनता पार्टी घबरा जाती है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का स्टेटमेंट आप मीडिया के साथ ही आप सुने होइएगा। हमारे नेता ने पहले ही कहे थे जब हम विपक्षी एकता का एकजुट कर रहे हैं तो हमारे यहाँ सप्लीमेंट्री चार्जशीट हमारे ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि यह सोची समझी राजनीति। अभी तुरंत नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका स्टेटमेंट आया था, उन्होंने भाषण कहीं दे रहे थे और शरद पवार के लिए जो भतीजा है अजीत पवार उनके बारे में कहें सबसे करप्ट है। भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री का एक ही उद्देश्य है, जो क्षेत्रीय दल है उसको समाप्त कर दूँ, किसी न किसी तरह से धमका के उस पर चार्जशीट करके ईडी के जांच, सीआईबी जांच, किसी न किसी प्रकार से उसको जांच पड़ताल करके धमकाया जाता है। और धमकने वाले लोग जो होते हैं, जो डर जाते हैं, वो लोग उनसे मिल जाते हैं, जब उनसे मिलने के बाद वो लोग साफ सुथरा एकदम गंगाजल से धोया हुआ हो जाते हैं। लेकिन हमारे नेता डरने वाले नहीं हैं, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नहीं डरे, उनका लड़का आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव भी डरने वाले नहीं है, क्योंकि जिस समय का यह चार्जशीट है जमीन वाला घोटाला के बारे में जो बोल रहे हैं जी, जमीन लैंडिंग के बारे में, उस समय हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बहुत छोटे थे जी। लेकिन सप्लीमेंट जांच भी कई बार चार्जशीटेड हुआ, उसमें भी नहीं नाम था, फिर सप्लीमेंट्री जांच रिपोर्ट करके उन पर चार्जशीट किया, मतलब किसी न किसी तरह से उनको फंसाने का, परेशान करने का यह काम कर रही है। देश की जनता देख रही है, 2024 में भारतीय जनता पार्टी को डर लगा हुआ है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो मुहिम छेड़े हैं आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ, जो हम लोग मिलकर महागठबंधन की यहाँ सरकार चल रही है और पूरे देश में एक महागठबंधन की सरकार बने और विपक्षी एकता जो है उसकी जुटान हुई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है। राजद विधायक मुकेश यादव हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। मुकेश जी, लगातार चार्जशीट दाखिल हो रहा है, फिर से लालू परिवार के ऊपर चार्जशीट दाखिल हुआ है, कैसे देखते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में है वो हमेशा जो जनमानस के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं उनसे हमेशा डरती रहती है। जब जब लालू जी जेल से बाहर आते हैं या उनकी राजनीति में भूमिका सक्रियता बढ़ती है तो भारतीय जनता पार्टी घबरा जाती है। अभी देश में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी जब राजनीति में कुछ सक्रियता दिखाए हैं, स्वास्थ्य उनका ठीक हुआ है और पूरे देश में सभी विपक्षी पार्टी एक बैठक उन्होंने कराया जिससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी को लगता है पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई किसी पार्टी ने अगर समझौता नहीं किया है और भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई आदमी शिकस्त कर सकता है तो वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। बैठक के बाद ये सब हो रहा है, क्या लगता है भाजपा के तरफ? पहले ही हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का स्टेटमेंट आप मीडिया के साथ ही आप सुने होइएगा। हमारे नेता ने पहले ही कहे थे जब हम विपक्षी एकता का एकजुट कर रहे हैं तो हमारे यहाँ सप्लीमेंट्री चार्जशीट हमारे ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि यह सोची समझी राजनीति है। अभी तुरंत नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका स्टेटमेंट आया था, उन्होंने भाषण कहीं दे रहे थे और शरद पवार के लिए जो भतीजा है अजीत पवार उनके बारे में कहें सबसे करप्ट है जी। जब करप्ट है, एक समय कहते हैं जी आप यह बहुत बड़ा करप्ट है, ये बहुत घोटालेबाज है, लेकिन लालू यादव को भी कह रहे थे नरेंद्र मोदी बीते दिनों, कह रहे थे कि राजद के तमाम जो नेता हैं वो भ्रष्ट हैं और कई करोड़ों का गमन। नहीं, आपको मैं बतलाना चाहता हूँ, जो वो बोले शरद अजीत पवार भ्रष्ट है, तब अजीत पवार भ्रष्ट है तो भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनको फिर भारतीय जनता पार्टी में और NDA गठबंधन में मिला के और सरकार क्यों बनाना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री का एक ही उद्देश्य है, जो क्षेत्रीय दल है उसको समाप्त कर दूँ, किसी न किसी तरह से धमका के उस पर चार्जशीट करके ईडी के जांच, CIB जांच, किसी न किसी प्रकार से उसको जांच पड़ताल करके धमकाया जाता है। और धमकने वाले लोग जो होते हैं, जो डर जाते हैं, वो लोग उनसे मिल जाते हैं, जब उनसे मिलने के बाद वो लोग साफ सुथरा एकदम गंगाजल से धोया हुआ हो जाते हैं। लेकिन हमारे नेता डरने वाले नहीं हैं, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नहीं डरे, उनका लड़का आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव भी डरने वाले नहीं है, क्योंकि जिस समय का यह चार्जशीट है
जमीन वाला घोटाला के बारे में जो बोल रहे हैं जी, जमीन लैंडिंग के बारे में, उस समय हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बहुत छोटे थे, नाबालिग थे, और किसी नाबालिग के ऊपर आज उस केस में भी नाम नहीं था, लेकिन सप्लीमेंट जांच भी कई बार चार्जशीटेड हुआ उसमें भी नहीं नाम था, फिर सप्लीमेंट्री जांच रिपोर्ट करके उन पर चार्जशीट किया, मतलब किसी न किसी तरह से उनको फंसाने का, परेशान करने का यह काम कर रही है, देश की जनता देख रही है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को डर लगा हुआ है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो मुहिम छेड़े हैं आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ, जो हम लोग मिलकर महागठबंधन की यहाँ सरकार चल रही है, और पूरे देश में एक महागठबंधन की सरकार बने और विपक्षी एकता जो है उसकी जुटान हुई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है, और 2024 में जनता सब देख रही है, भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देगी और देश भारतीय जनता पार्टी की सफाया है। सम्राट चौधरी का बयान आया है कि जदयू के लोगों ने फंसाया है लालू परिवार को, उन्हीं के द्वारा चार्जशीट दाखिल। आज सम्राट बाबू बोल रहे हैं, बहुत बाबू बोल रहे हैं, पहले उनसे पूछिए ना, उनका जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक का कदम धरे रखे थे वो राष्ट्रीय जनता दल में थे, और उस समय हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उनको मंत्री माप तौल मंत्री बनाए थे, उस समय भी उनके ऊपर बहुत इंजाम लगा था, वो लोग भूल जाते हैं। लेकिन हम सभी राजनीतिक दल के जो लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, मैं छोटा सा एक वर्कर हूं और छोटा सा नया मैं विधायक बना हूं, लेकिन मैं अपनी बातों को कहना चाहता हूं कि कम से कम आँख में पानी रहना चाहिए उन लोगों को जो आज बिहार के राजनीतिक है, वह आदरणीय लालू प्रसाद यादव की इर्द गिर्द ही, और उनसे उनके ही प्रोडक्ट, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पहले के प्रदेश अध्यक्ष हो संजय जायसवाल जी हो या अभी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी हो, सब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के स्टूडेंट रहे हुए हैं। नीतीश कुमार को बहुरूपिया मुख्यमंत्री बता रहे हैं सम्राट चौधरी, उनके साथ रहते हैं तो नीतीश कुमार बहुरूपिया नहीं रहते हैं और महागठबंधन में चले हैं तो बहुरूपिया हो जाते हैं। देखिए मुकेश कुमार यादव थे हमारे साथ, राजद विधायक है, जमकर निशाना साधे थे भाजपा पर। मुकेश कुमार यादव का यह साफ कहना है कि 24 में जनता जवाब देगी, जनता देख रही है, और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है उसको देखते हुए जनता मुंहतोड़ जवाब देकर भाजपा को कहीं ना कहीं उखाड़ फेंकेगी पूरे देश से। क्या कुछ कहते मुकेश यादव, आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए NBC24 के साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।